हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। मैं इस वीडियो इसलिए बना रहा हूँ, जो बंदा का 200 सब्सक्राइबर है, 300 सब्सक्राइबर है, किसी बंदे ने 50-60 वीडियो ऑलरेडी डाल चुका है और उसकी चैनल में व्यूज़ भी नहीं रहे, सब्सक्राइबर नहीं है और वो होपलेस हो गया। मतलब वो सोच रहे मेरे से आगे होगा ही नहीं। अगर आपने 100-150 वीडियो डाल दिया फिर भी आपका चैनल में व्यूज़ नहीं आ रहे, व्यूज़ आ रहे तो बहुत कम है और आपका चैनल मोनेटाइज भी नहीं, मतलब होने का मतलब वो भी नहीं है। मतलब ये सोच रहे हो मेरा चैनल यूट्यूब का, जो आप सोच रहे यूट्यूब से मैं थोड़ा अर्निंग कर लूँगा या मेरा यूट्यूब चैनल कम से कम मोनेटाइज हो जाए, फिर धीरे धीरे मैं उसको ग्रो करूँगा या उस चीज़ को करूँगा। मतलब जिसका 100-150-200-500 जो भी सब्सक्राइबर हुआ और आगे ही नहीं बढ़ रहा है या आपका कोई टॉपिक नहीं मिल रहा है वीडियो बनाने का। तो देखो, यूट्यूब में अगर आपको काम करना है तो आपको प्रेजेंस रखना पड़ेगा, बहुत ही ज़्यादा प्रेजेंस। ये क्या होता है, धीरे धीरे आगे बढ़ता है कोई भी चीज़, बहुत स्लोली स्लोली होता है, ठीक है। देखो मेरा हिस्ट्री बताता हूँ तो आपको समझ में आएगा। अगर जिस बंदे का 500-200 सब्सक्राइबर है और वो एक साल से काम कर रहे हो तो आपका कोई ग्रोथ नहीं है, तो उसको थोड़ा मोटिवेशन के लिए मैं इस वीडियो बना रहा हूँ। तो आप देख रहे हो इस चैनल का मैं लाइफ टाइम वो कर दिया। ये 2016 में मैंने ऐसे ही चैनल बना लिया था, फिर मैंने यहाँ से वीडियो डालना स्टार्ट किया, ठीक है। 2019 से 20 तक, एक साल तक, लगभग एक साल दो साल तक मान के चलो, दिन में मेरा कितना व्यूज़ आता था, 295, मतलब 24 घंटे में इतना व्यूज़ आता था। अभी बहुत कम आ रहा है, तो इतना व्यूज़ मेरे को आता था मान के चलो। यहाँ तक देखो 2020 तक, यहाँ तक मैंने वीडियो नहीं डाला कि मैं यूट्यूब को ऐसे चैनल बना लिया था, और यहाँ से 11, 12, 26 यहाँ तक देखो 91 व्यूज़ है। मतलब एक साल में मेरे चैनल में 24 घंटा 48 मिनट 9 व्यूज़ आता था। तो मैंने क्या किया, मैंने वीडियो बनाना, मतलब जो वीडियो जो डालना बंद नहीं किया, मैं कंटिन्यू डालता गया। जैसे टाइम मिला, एक दिन में, दो दिन में, पर डे जो भी मेरे को कुछ टॉपिक मिला, मैं वीडियो डालना स्टार्ट किया। फिर मैंने धीरे धीरे थंबनेल होता है, अगर थंबनेल थोड़ा एट्रैक्टिव होना चाहिए, मैं दूसरे चैनल को फॉलो किया, थोड़ा एट्रैक्टिव चैनल कीवर्ड को सर्च करना सीखा, थोड़ा बहुत कीवर्ड से भी डिपेंड करता है। और सबसे मेन ये वीडियो है, वीडियो को हम ज़्यादातर कोई थंबनेल देख के क्लिक करते हैं, थंबनेल बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, फिर अंदर का कंटेंट भी बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। तो थंबनेल इंपॉर्टेंट है और कंटेंट भी, तो फर्स्ट प्रियोरिटी आता है थंबनेल का। तो थंबनेल आपको ठीक डिज़ाइन से बनाना है, जो बंदा क्लिक्स करे, बंदे के अंदर जानने की इच्छा हो, जो भी है। आप मेरे चैनल में शुरू से देखोगे तो मैंने ऐसे ही थंबनेल बनाया था, पिक्सावे से या पिक्सेल कौन सी ऐप है उसी से। फिर धीरे धीरे मैं कैनवा के स्टार्ट किया और कैनवा से मैं उस चीज़ को मैं धीरे धीरे अप्लाई करना शुरू किया, तो मेरे चैनल धीरे धीरे मोनेटाइज हो गया। लेकिन इसमें बहुत ज़्यादा टाइम लग गया, ठीक है। तो मेन बात, आपका चैनल जो है उसको एक ही वीडियो रैंक होना चाहिए। जैसे कोई भी एक वीडियो अगर 30,000 के आसपास व्यूज़ आ जाए तो आपका चैनल में मोनेटाइज हो जाएगा। मोनेटाइज इतना हार्ड चीज़ नहीं है, लेकिन आपका चैनल में अगर 200 वीडियो भी डाल दिया, किसी क्या होता है, आपने 200 वीडियो डाल दिया और अपने व्यूज़ नहीं आ रहा, तो अगला 20 वीडियो में एक वीडियो आपका रैंकिंग कर गया और उसमें 20-30,000 व्यूज़ आ गया तो आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। और 20-30,000 व्यूज़ जैसे आ गया तो उसी एक वीडियो रैंक की वजह से धीरे धीरे हर वीडियो में व्यूज़ आना स्टार्ट होता है और उसमें से एक दो वीडियो रैंक हो जाता है। तो ऐसा है, तो इसीलिए आप लोग जो उम्मीद छोड़ दिए हो या 200-300 सब्सक्राइबर हुआ उस टाइम नहीं है, पूरा यूट्यूब से अर्निंग का कोशिश कर रहे हो और सोच रहे हो मेरे से होगा नहीं, तो आप लोग उम्मीद मत छोड़ना, कोशिश करते रहना, 100% आपका चैनल मोनेटाइज हो जाएगा। लेकिन वीडियो डालना बंद मत करना, क्योंकि जो ग्रो होने का चांसेस है बहुत स्लोली होता है। अगर आपने कोई ऐड उड नहीं यूज़ किया तो नेचुरली यूट्यूब बहुत धीरे धीरे उस चैनल को ग्रो करता है। तो ये बहुत कुछ फॉलो करते हो उस चैनल का, काम का, आपने कैसे काम किया, सारी चीज़। तो एक मोटिवेशन तरफ मैंने वीडियो बनाया, अगर ये वीडियो पसंद है लाइक और शेयर जरूर करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। आज के लिए इतना है, धन्यवाद।